हाय गाइस व्हाट्सअप, माय नेम इज अमर रूफ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल सब भाइयों को बहुत बहुत ज़्यादा सॉरी इस वजह से कि मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बनाने लगा हूँ। मैं वीडियो नहीं बना पाया, टाइम नहीं मेरा, तो आज वीडियो बना रहा हूँ तो बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला। तो चलिए इस फोटो को मैं आपको कलर एड करके दिखाऊँगा गोल्डन स्किन में और ब्रश पैक डाल के दिखाऊँगा। तो इसको मैंने फोटोशॉप में कर लिया ओपन, बिल्कुल फ्री मेथड से इसकी कलर एडिंग और रीटचिंग करके दिखाऊँगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इसी के साथ इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना, मैंने कल ही पोस्ट किया, इसको लाइक करो जाके। इसी के साथ हमारा फेसबुक पेज है, उस पर भी मैं पोस्टिंग वगैरह करता रहता हूँ और अपना वर्क वगैरह शेयर करता रहता हूँ, और इसी के साथ हमारा फेसबुक ग्रुप है। तो मैं इस फोटो को ओपन कर लिया मैंने फोटोशॉप में, और इसके बाद मैं कंट्रोल ए प्रेस करके न्यू लेयर बनाऊंगा और कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करके कैमरा करूँगा ओपन। इधर से इसकी थोड़ी सी बेसिक सी एडजस्टमेंट मैं करूँगा, इधर से शेडोज को थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा इधर से, तो और इसको कर दूंगा ओके। इसके बाद मैं इसे कंट्रोल शिफ्ट ई की मदद से कर दूंगा मर्ज। इसके बाद मैं कंट्रोल जे प्रेस करके नीले बनाऊंगा, और इधर से जाके इधर से मिक्सचर ब्रश टूल सेलेक्ट कर लूँगा, और ऊपर से आप सेटिंग देख लें, आपने ये वाली रख लेनी है जो आपको नज़र आ रही है। अगर आपको फेस रिटच करने नहीं आता तो इधर से मैंने उसके ऊपर वीडियो बना दी है, आपको लिंक ऊपर आई कार्ड में नज़र आ जाएगा, आपने वहाँ से जाके देख लेनी है। इस वीडियो को देखने के बाद ये देख लें कि वीडियो ये है, इसमें मैंने आपको दिया ब्रश एक स्मज ब्रश, अगर आपको मिक्सर ब्रश यूज़ नहीं करने आता तो आप इससे इजी वे से कर सकते हैं। इसी के साथ ये वाली तीनों वीडियो ओपन ही थे इसी के ऊपर है, फेस रिटचिंग के ऊपर। तो अब मैं इधर से इसको इस तरीके से मैंने इसको कर लिया जूम, और इधर से अब मैं फेस को रिटच करना करूँगा स्टार्ट। तो आपने इसी तरीके को फॉलो करना है इस तरीके से। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको डोजन बन भी आपको यूज़ करके दिखाऊँगा कि आपने डोजन बन थोड़ा सा किस तरीके से यूज़ करना है। तो इस तरीके से आप ये देख लें, आपने इसको कर लेना। तो यार इस वीडियो को लाजमी शेयर किया करो अपने फेसबुक वगैरह पे ग्रुप वगैरह में, और अपनी आईडी वगैरह पे फेसबुक पे लाजमी शेयर करो, ताकि हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो सके और मैं ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट पेश करने की कोशिश करूँ। तो आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें, सपोर्ट भी किया करें, और कमेंट भी अच्छा सा कर दिया करें भाई के लिए, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ अच्छी से अच्छी वीडियो जल्दी रोज़ाना की बेस पर बनाने के लिए। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं रोज़ाना वीडियो एक बनाऊं तो कमेंट करके मुझे बताएं कि हमें रोज़ाना मुझे लाजमी बनानी चाहिए या नहीं। अगर 20 लोगों के कमेंट आए कि जी हाँ रोज़ाना वीडियो आनी चाहिए, तो इंशाल्लाह फिर रोज़ाना वीडियो ही आया करेगी। अगर आप 20 लोग कमेंट कर देते हैं कि रोज़ाना वीडियो है, तो फिर वीडियो लाजमी रोज़ाना इंशाल्लाह आया करेगी। सो इधर से आप ये देख लें, इधर से बस हो चुका जल्दी जल्दी, मैंने आपको करके दिखा दिया। अगर आपको डिटेल फेस रीटचिंग देखनी है तो मैंने आपको वीडियो दिखा दी है, आप उनको जाके देख सकते हैं, उसका लिंक आपको ऊपर आई कार्ड में नज़र आ जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आसानी से देख सकते हैं। सो इस तरीके से ये देख लें, मैंने इस तरीके से इधर से भी कर लिया है, तो ये देख लें बस हो चुका है। तो इधर से थोड़ा सा इस तरीके से, तो इधर से बस हो चुका है। थोड़ा सा जो बाजू है इनको भी मैं करके आपको दिखा देता हूँ कि इनको कैसे करते हैं। तो इस तरीके से ये देख लें इस तरीके से, सो इधर से हो चुका है। इसके बाद थोड़ा सा इधर से करा, तो इधर से देख लें सही है। सो इस तरीके से हो चुका है, ओके हो गया। अब मैं इसे कंट्रोल शिफ्ट ई की मदद से कर दूंगा मर्ज। इसमें मैं अब आईज लेंस डालूंगा, तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो आपको बता दूं कि आपको PNG वगैरह जो है वो डाउनलोड करने का लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन मिलेगा, लेकिन उसको डाउनलोड करने का तरीका मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो अगर आप वो तरीका नहीं देखते तो शायद आपसे वो डाउनलोड ना हो, तो आपने इधर से इस वीडियो को ध्यान से देखना, और लास्ट में जो मैंने मेथड बताया कि इसको कैसे डाउनलोड करते हैं उसको भी आपने ध्यान से देखना। मैं कंट्रोल जैसे नहीं उले बनाऊँगा, कंट्रोल टी से उठा के इसको ले जाऊँगा और इधर थोड़ा सा नीचे करके इधर लगा दूँगा, और अब मैं इसे इधर से जाके कंट्रोल ई से मर्ज कर दूंगा और इसकी पैस्टिक कम कर दूंगा इधर तक। सो इधर ये देख लें कि इधर तक हो चुका है। अब मैं इसे कंट्रोल शिफ्ट ई की मदद से कर दूंगा मर्ज। इसके बाद जो है मैं इधर से ये वाला जो मेरे पास पड़ा हुआ है ये रिंग, सो ये रिंग जो इसको मैं इधर से जाके क्रॉप कर लूँगा, यानी कि इधर से सेलेक्ट कर लूँगा, नीचे वाले इसको कर दूँगा डिलीट, और कंट्रोल टी से इसको कर दूँगा छोटा सही है। तो इनको डाउनलोड करने का मेथड मैं आपको एंड पे बताऊँगा, एक मैंने डिटेल उसमें वीडियो बनाई है, वो एंड पे आपको नज़र आएगी इस वीडियो पे, तो आपने इसको लाजमी से देख लेना है। तो अब हमारी मेन बारी आती है कि इसको हमने कलर ग्रेड किस तरीके से करना है। तो मैं कंट्रोल जे प्रेस करके न्यू लेयर बनाऊंगा और कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करके कैमरा करूंगा ओपन। तो अब इधर से ही मैं आपको इसकी रीटचिंग करके दिखाऊंगा। सो इधर से आपने सबसे पहले जो अपने हाईलाइट को -100 पे कर देना है। -100 पे करने के बाद आपने इसकी अपना एक्सपोजर जो इसको कर लेना है इधर तक, प्लस पॉइंट -55 ठीक है ना, -55
0.55। सो इसके बाद आपने इधर से शेडोज को इंक्रीज कर देना है फुल। इसके बाद आपने वाइट्स को उठाना है इस तरीके से, ये देखें वाइट्स को उठा लिया इधर तक। और इसके बाद हम नीचे आएंगे कलर मिक्सचर में, थोड़ा सा रेड को करेंगे इंक्रीज इस तरीके से। रेड्स को मैंने कर लिया इंक्रीज और इसको कर दूंगा ओके। सो ये देखिए काफ़ी अच्छी हो चुकी है। मैं दोबारा से इसे कंट्रोल शिफ्ट ई की मैसे मैच करके दोबारा से कैमरा करूंगा ओपन। कैमरा ओपन करने के बाद इधर से मैं आ जाऊंगा इफेक्ट्स में। इफेक्ट्स में आने के बाद इधर से विग्नेट थोड़ा सा ऐड कर दूंगा साइड पे, सही है। सो इधर से आप देख सकते हैं इधर तक मैंने इसको रख लिया। इसके बाद मैं इसको कर दूंगा ओके। तो ये विग्नेट लग चुका है। इसके बाद मैं कंट्रोल जे प्रेस करके न्यू लेयर बनाऊंगा और इधर से जाके इस फोटो को मैं ब्लर करूंगा थोड़ा सा। सो इधर आप देख सकते हैं इतना मैं ब्लर लगा लूंगा। ब्लर लगाने के बाद आपने इधर से जाके इस वाले टूल के ऊपर क्लिक कर देना। टूल पे क्लिक करने के बाद आपने कंट्रोल आई प्रेस कर देना। जैसे आप कंट्रोल आई प्रेस कर देंगे उसके बाद आपने इधर से सिंपल ब्रश सेलेक्ट कर देना और इधर से आपने इसको जहाँ जहाँ पे आपने ब्लर को लगाना है वहाँ वहाँ पे आपने इसको ब्रश को यूज़ करते जाना। तो अब ये देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे मुझे ब्लर चाहिए मैं वहाँ वहाँ पे लगा रहा हूँ। सो ये इस वजह से लगा रहा हूँ ताकि हमारा जो फोकस है वो सिर्फ फेस पे ही है, सही है। सो इस तरीके से ये देखिए मैंने इधर तक लगा लिया इसे। तो अब मैं इसे कंट्रोल शिफ्ट ई की मदद से कर दूंगा मर्ज। अब मर्ज करने के बाद मैं दोबारा से इसे कंट्रोल जे प्रेस करके न्यू लेयर बनाऊंगा और कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करके कैमरा करता हूँ ओपन। और इधर से मैं थोड़ा सा और फेस को कुछ कलर ऐड करके दिखाता हूँ आपको। तो इधर तक ये देख लें, इधर तक मैंने इसको ऐड कर दिया। उसके बाद जाके इधर हम जाएंगे कर्व में। कर्व में जाने के बाद हाईलाइट्स को थोड़ा सा करेंगे इंक्रीज और हाईलाइट्स को इंक्रीज करने के बाद कैलिब्रेशन में जाएंगे और इसको थोड़ा सा इधर तक रख लेंगे। तो ये ओके हो चुका है। देखिए कितनी प्यारी कलर इससे आ चुके हैं। अब मैं इसे कंट्रोल शिफ्ट ई की मदद से कर दूंगा मर्ज। इसके बाद मैं कंट्रोल जे प्रेस करके न्यू लेयर बनाऊंगा और इधर से जाके इधर हमारा आता है चैनल मिक्सचर, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। इधर से हम फेस में कलर ऐड करेंगे। तो आप ये सेटिंग देख लें जो जो मैं रखने जा रहा हूँ, आपने भी यही सेटिंग रखनी है बिल्कुल। सो इधर तक हो गया। इसके बाद ग्रीन में आके, ग्रीन में आने के बाद इसको इधर ले जाऊंगा और इसको इधर और ये इधर। इसके बाद ब्लू में आने के बाद भी आप ये सेटिंग देख सकते हैं जो मैं कर रहा हूँ, आपने ये वाली सेटिंग ही करनी है, सही है। तो ये देख लें कि ये वाली सेटिंग मैंने कर ली है। अब मैं इसे कंट्रोल शिफ्ट ई की मदद से कर दूंगा मर्ज। इसके बाद मैं मिक्सचर ब्रश की मदद से थोड़ा सा जो होंस है इनको मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ब्रश थोड़ा सा इसको प्लेन कर देता हूँ। सो ये देख लें इसको थोड़ा सा मारेंगे, होंस को थोड़ा सा स्मूथ कर देते हैं। ये देखिए हो चुका है। तो इसके बाद मैं दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करके कैमरा करूँगा ओपन। और कैमरा करने के बाद जैसे मैं कैलिब्रेशन में जाके इसको सैचुरेशन को करूँगा इधर तक रख लूँगा। इसके बाद इसको थोड़ा सा इधर तक रख लेंगे और इधर से ब्लू प्राइमरी में से कलर को इधर तक रख लेंगे और इसको कर दूँगा ओके। तो ये देखिए काफ़ी अच्छी हमारी फोटो एडिट हो चुकी है। अब थोड़ा सा मैं इसको आपको और कलर एड करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा डोजर मल लगा के दिखा देता हूँ। मैं कंट्रोल जे प्रेस करके न्यू लेयर बनाऊंगा, इधर से जाके ये वाला डोज टूल सेलेक्ट कर लूँगा और इधर से थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ पे थोड़ी थोड़ी वाइट है हमारा, तो उधर से आपको उन हाइलाइट्स को मैं हाईलाइट कर दूंगा। और तो ये देख रहे हैं इस तरीके से मैं इसको थोड़ा थोड़ा लगा दूंगा और इसके बाद इधर से थोड़ा सा इधर और इधर इस तरीके से, और इसके बाद इसका एक्सपोजर कर दूंगा इधर तक और इधर तक थोड़ा सा लगा दूंगा। इसके बाद थोड़ा सा ये देख रहे हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे आप इसी फोटो के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं सेम जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, तो ताकि आप भी वही स्टेप फॉलो करें और आप देखें कि उस तरीके से आपसे बन रही है या नहीं। तो ये हो चुका है। तो अब देखिए काफ़ी हद तक है वो बन चुकी है। इसके बाद मैं बर्न टूल सेलेक्ट करूँगा इधर से इसकी पेस्ट्री ऊपर से आप देख लें। इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा इधर तक इस तरीके से इसको यूज़ करूँगा और इसके बाद थोड़ा सा मैं इसको इधर यूज़ करूँगा और इसके बाद थोड़ा सा इधर और ये इस तरीके से इधर और इधर और इस तरीके से मैं थोड़ा सा इसको कर दूँगा इधर तक ले जाऊँगा। इधर ले जाने के बाद इधर थोड़ा सा इस तरीके से हम यूज़ कर देंगे, थोड़ा सा इधर कर लेंगे और इधर तक। तो ये देखिए हो चुके हैं। तो अब इधर से थोड़ा सा मैं इसको ऐसे इधर लगा लेते हैं। तो ये देख लें जहाँ जहाँ पर मैंने लगा लिया। तो ये बस जल्दी में मैंने आपको करके दिखा दिया। तो ये देखें इधर ठीक लग रहा है। मैं इसे कंट्रोल शिफ्ट ई की मैं इसे कर दूंगा मर्ज। तो अब थोड़ा सा जो मैं ब्रश की टूल से मिक्सचर ब्रश की मदद से इसको नोज इधर से थोड़ा सा इसको स्मूथ और कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हो चुका है। तो बस डन हो चुका है। तो
थोड़ा सा इधर से मैं फ्रंट टू से ऐड करूँगा और इसको इधर लगा दूंगा इस तरीके से, थोड़ा सही हो गया। तो इसके बाद मैं कंट्रोल ये प्रेस करके इनविजिबल बनाऊंगा और कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करके कैमरा करूँगा ओपन। कैमरा ओपन करने के बाद इधर से मैं जाके ब्लू प्राइमरी को इधर तक ले जाऊंगा, इधर से नीचे से सैचुरेशन को करूंगा इंक्रीज। इसके बाद बेसिक में आके इसको इधर तक थोड़ा सा ले जाऊंगा, तो इधर तक। इसके बाद जो है मैं कलर मिक्सर में आ जाऊंगा। कलर मिक्सर में आने के बाद ये जो रेड्स हैं, रेड्स को मैं इधर तक रख लूँगा, आपको नज़र आए इधर तक, ठीक हो गया। तो इसके बाद जो ब्लू है हमारे, ब्लू को मैं इधर तक ले जाता हूँ, इधर तक रख लेता हूँ, सही हो गया, इधर तक आ गया। उसके बाद जो इधर से कर्व में आ जाता हूँ, कर्व में आने के बाद आपने इधर से हाईलाइट्स को करना है इंक्रीज। तो ये देख लें इधर तक हाईलाइट ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा लाइट्स को इंक्रीज करते हैं इस तरीके से, ओके हो गया। तो इधर तक ठीक है, इसको मैं अब कर दूंगा ओके। तो ये देखिए हमारी फ़ोटो कितनी हैवी बन चुकी है। हम ऐसे कंट्रोल शिफ्ट ई की वजह से कर देता हूँ हमारे। हमारी मेन बारी आती है कि हम इसके ऊपर ब्रश का इफेक्ट कैसे डालेंगे। तो आपको ये PNG मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक डाउनलोड करने का मेथड मैं आपको बताता हूँ बाद में। तो आपने इसको इस तरीके से इधर लगा लेना है। इस तरीके से लगाने के बाद आपने कंट्रोल प्रेस करके इधर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसकी सिलेक्शन आ जाएगी वापस। तो आपने इधर जाने के बाद आपने कंट्रोल डी प्रेस कर देना है। तो ये कह रहा है कि ये इसको पहले, ये देखिए हो चुका है। तो पहले मैं इसको डिलीट करूँगा इस तरीके से। डिलीट करने के बाद अब मैं इधर से बनाऊँगा न्यू लेयर। न्यू लेयर बनाने के बाद इधर से ब्लैक एंड वाइट कर दूँगा। सो ये देखिए ब्लैक एंड वाइट हो चुके हैं। अब पीछे थोड़ा थोड़ा सा पीला कलर आ रहा है और नीचे वाले लेयर पे इसको मैं कर दूँगा डिलीट। तो अगर आपको ये स्टेप नहीं समझ आया तो आप वीडियो को पीछे करके दोबारा से देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी। तो ये देखिए अभी इधर हो चुका है। तो मैं इसे कंट्रोल शिफ्ट ई की मदद से कर दूँगा मर्ज। इसके बाद जो है मेरी ये वाली जो टेक्स्ट पड़ा हुआ है, इसको टेक्स्ट PNG को मैं उठा के इधर लाऊँगा, स्क्रीन पे कर दूँगा और इधर से इसको मैं इधर लगा दूँगा। थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो इस तरीके से इधर लगा लेते हैं। अब मैं इसे कंट्रोल शिफ्ट ई की मदद से कर दूँगा मर्ज। इसके बाद मैं ऊपर नीचे बहुत बॉर्डर लगा दूँगा, सही है। तो ये देखिए लग चुका है बहुत ही हैवी। तो फोटो तकरीबन हमारी फुल हैवी एडिट हो चुकी है। तो आज की वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना है। अब मैं आपको इसे डाउनलोड करने का मेथड बता देता हूँ कि आपने इसे डाउनलोड कैसे करना है। सो गाइस, इसे डाउनलोड करने का मेथड बहुत ही आसान है। आपने डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक नई विंडो में ओपन कर देगा। तो इधर आपको दो ऑप्शन नज़र आएंगे, डायरेक्ट एक्सेस विद प्रीमियम और फ्री एक्सेस विद एड। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है ना। ये देखें ये वाला ऑप्शन, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है तो इधर आ जाएगा। आपने इसको थोड़ा सा ऊपर करना है, इस तरीके से ऊपर करना है। तो ये देखें इधर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा, एक्टिवेट नोटिफिकेशन, आपको ये भी लिखा आ सकता है या डिस्कवर आर्टिकल। आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है और कोई आर्टिकल अब वहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। आपने उसको ओपन कर देना है और उसको कट कर देना, फिर आपने आपको कंटिन्यू का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। तो अब मैं इसको एक्टिवेट नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करूँगा। सेम टाइम आपको दो ऑप्शन भी नज़र आते हैं, लेकिन आपने ओपन एक्टिवेट नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इधर ये कह रहा है कि अलाउ करें। ये देखें अलाउ के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। तो जैसे मैंने इधर से आपने अलाउ के ऊपर क्लिक कर देना है, जैसे मैंने अलाउ किया तो इधर ये आ रहा है कंटिन्यू। तो आपने कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करना है तो ये आपको वहाँ पर ले जाएगा जहाँ पर हमारी फाइल पड़ी है। तो ये बहुत ही आसान और ईजी वे है इसको फाइल को डाउनलोड करने का।